प्रधानमंत्री जी ने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और किस तरह से अपने आप को शिक्षा के लिए तैयार करें उसके लिए कुछ एक बहुत सुंदर किताब लिखी है और मैं समझता हूँ ये सरकारी कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इसके बच्चे जब उससे कुछ किरण प्राप्त करेंगे तो हमारा प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश हर बच्चे तक जाए और जिसके माध्यम से हमने 100 पुस्तकें इस विद्यालय को दी हैं, ये बाई रोटेशन लगभग सभी बच्चों के हाथों में जाएंगी, वो लोग पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने क्या प्राप्त की, क्या सुझाव है उनके, क्या ज्ञान प्राप्त किया, इस पर एक कंपटीशन कराकर उन बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे। देखिए जब आज प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं कि अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की जो शक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि जो स्वामी विवेकानंद जी का शब्द है उसको हम पहचाने, अपनी दैवत्य शक्ति को हम पहचाने, दूसरा उन्होंने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा का मतलब अपने आप से कॉम्पिटिशन करें कि मेरे नंबर पिछले बार 70% थे, अब के मैं 80% लाऊंगा। ये विषय छोटे छोटे थे कि सफलता के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयास भी बड़े हद तक लिए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सुझाव इसमें दिए हैं। अपने आप को रिलैक्स करना सीखें, अपने आप को स्ट्रेस में ना लाएं, अब थोड़ा जीवन के अंदर योगासन जरूर करें, सोएं भी जरूर, नींद भी अच्छी प्राप्त करें, तो सभी चीजों के उन्होंने अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, इस पुस्तक के बांटने का उद्देश्य है बच्चों को तनाव से मुक्त दिलाना, बच्चे परीक्षाओं में किसी भी तरह की बोझिल ना हो जाए, उस परीक्षाओं को पास करने के लिए उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, परीक्षा से पहले बच्चे तनाव में ना आए, तनाव मुक्त रहें, बहुत सारे इस तरह के पहलू आ जाते हैं बच्चे के थोड़े तनाव में, तैयारी समय पर क्रम से करते रहें, कभी कभी बहुत परीक्षा नज़दीक आ जाती है लेकिन बच्चे अपना आत्ममंथन करने में ढील देते हैं, तो बच्चे इस पुस्तक के माध्यम से सतत निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और अपना प्रयास करते रहेंगे, ये बच्चों के लिए एक प्रेरणा साबित होगी। इस तरह से बच्चे लगातार इसमें लगे रहेंगे तो बच्चों को अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास भी मिले, अवसर मिलेगा और बच्चों को एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें कब प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ते रहना है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन बच्चे कंपटीशन की भावना में आगे बढ़ें, बच्चे किसी को पीछे करके नहीं, अपने स्वाभाविक रूप से स्थायी सफलता पाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने प्रयास करते रहें। ये मेरा ऐसा संदेश है और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे इस पुस्तक के माध्यम से अच्छी और ऊंचाइयां पाएंगे, अच्छी सफलता पाएंगे और ये पूरी उद्देश्य इस किताब के माध्यम से कॉलेज में और ये बच्चे जहां भी जाएंगे अपनी सफलताओं को का मंत्र औरों को भी बताएंगे, ये इनके जीवन का एक मंत्र होगा। तो ऐसी उम्मीद करता हूं मैं कि बच्चों के जीवन के लिए एक बड़ी ही अच्छी पहल की पुस्तक साबित होगी।